हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इट्स द 5th of July एंड आई हैव टर्न 21 फाइनली। सो बर्थडे की शुरुआत हमेशा अच्छे पॉजिटिव नोट से की जानी चाहिए, इसलिए सबसे पहला काम हम आज करने वाले हैं, मंदिर जाएंगे। और मेरा मंदिर जाने के लिए मेरा पार्टनर इज माय ब्रदर। हाय। हम साथ में जा रहे हैं, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, तो इसलिए जा रहे हैं हम लोग। एंड आई एम ड्रेस्ड इन माई अच्छा बच्चा आउटफिट इन ट्रेडिशनल वेयर, कुर्ता वर्ता अच्छे बच्चे की तरह ड्रेस्ड। हम जाएंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे। लेट्स गो। इट्स वॉच अ मूवी, बट मूवी डिसाइड करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। लिटरली समझ नहीं आ रहे, जमीन पर जा रहे, ओल्ड मूवीज ही देखने का मन कर रहा है, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े समझने के लिए। थ्री इडियट्स देखने का मन कर रहा है, बट इसका रिव्यू बहुत अच्छा है ना, जगह में थंडीरम, यही देखते हैं। चलेगा शिवम? लेट्स वॉच दिस। डिस्ट जगह में थंडर, हम लोग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं। हेलो अगेन। अभी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी आ रही है, तो हम लोग सब लोग मिलके दमशरज खेलने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है मूवी डिसाइड करना, और उस एग्जैक्ट मोमेंट्स में ना मूवी याद भी नहीं आती है। इसलिए मैंने बहुत इजी काम किया है, सबकी काम इजी करने के लिए मैंने आइडिया निकाला कि मैं लिटरली यहाँ पर चिट्स बना के रख दूँगी ऐसे सारे मूवीज़ के। सबको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खाली चिट्स उठाओ, मूवी का नाम देखो और एक्ट करो, काम डन। बस चार शब्द हिंदी, फैमिली, वी आर फैमिली, तो तीन शब्द। Thank you.
I completely forgot to conclude this vlog. This video was supposed to be up on my channel on 5th रात तक ही अपलोड होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज इतने टायर्ड थे, इतना हेक्टिक डे था, एनर्जी ही नहीं बची थी कि इसको कंक्लूड करके ख़त्म कर दिया जाए. इसलिए नेक्स्ट डे, टुडे इज द 6th जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाम हो चुकी है बिकॉज सुबह से लेके अभी तक इतने टायर्ड थे, इतने लेजी और ड्राउजी फील हो रहा था, इतने मन कर रहा था कि सिर्फ सोते रहो दिन भर, इसलिए इतना लेट हो गया इस व्लॉग को आने में. बट आई एम सॉरी, नेवर माइंड, लेट्स कंटिन्यू. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम हियर एंड से इट वॉज द बेस्टेस्ट बर्थडे, बेस्टेस्ट 21st बर्थडे. मुझे अपनी फैमिली को थैंक यू कहना है बिकॉज सब इतने गैदर्ड हुए थे, हमने इतने मजे किए, इतने मस्ती की, हमने मूवीज देखी साथ में, हमने डम श्रेड्स खेले और सबकी एक्टिंग देख के इतना मजा आ रहा था. हमने दादा दादी तक को ही खिलाया था, उन लोग से भी एक्टिंग करवाई हम लोगों ने, इतना मजा आया. एंड टू माई फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग माई बर्थडे. टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगा था कि काफ़ी लोगों को मेरा बर्थडे याद भी होगा, सो थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग दैट एंड थैंक यू फॉर प्रूविंग मी रॉन्ग. आई रिसीव्ड सच ब्यूटिफुल एंड थॉटफुल गिफ्ट्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ, रिसीविंग गिफ्ट्स इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ बर्थडे. इतने अच्छे एंड थॉटफुल गिफ्ट्स थे, मतलब आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग देम. सॉरी, मैं ऐसे एक्साइटेड किड की तरह लग रही हूँ, बट आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर आफ्टर रिसीविंग देम. एंड आई रिसीव दिस ब्यूटिफुल फ्लावर फ्रॉम माई फादर, जो मैं इसको सेव करना चाहती हूँ अपनी डायरी में, प्रेस फ्लावर्स की तरह, जो ड्राई हो जाएगा उसके उसको फ्रेम करा के हम रख सकेंगे. मैं ये सेव करने वाली हूँ. एंड देयर इज दिस वन गिफ्ट I want to show it to you all and I want to brag about it. Can you all see this? Can you all believe it? This is too good to be true. Oh my god, this is BTS. This has BTS written on it and it's the coziest thing ever. Oh my god, I was so happy to receive this and thank you to my sister who gave this to me, who remembered that I love these 7 amazing artists, BTS. Oh my god, I'm just so happy to receive this. So comfy and so awesome. I'm just so happy. Thank you and sorry for reacting this way. I'm going to stay in this hoodie forever and ever because it's the comfiest thing ever and I'm just so happy to wear it. And I finally got a new tripod. God, because I got it as a gift. And क्योंकि मेरा अभी तक का जो वीडियो शूट हो रहे थे वो सारे सेल्फी स्टिक के सपोर्ट पे हो रहे थे. मैं अपने फ़ोन में शूट करती हूँ तो मैं सेल्फी स्टिक की यूज़ करके अपना शूट कर रही थी. अभी भी ऐसे ही सपोर्ट किया गया है तो एंगल थोड़ा सा वियर्ड रहता है, हल्का 19-20 का फर्क रहता ही रहता है. सो अब मैं इस ट्राईपॉड को थोड़ा सा यूज़ करूँगी और आपको अनबॉक्सिंग अपने नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उसके रिव्यू भी बताऊंगी कि ठीक ठाक है कि नहीं. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. Bye! Annyeong!